बार बार पूछा जा रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो, पॉजिटिविटी दिल्ली के अंदर एक टाइम पर 15% से ज़्यादा थी, और WHO का कहना भी था 5% से कम होनी चाहिए, और लगातार पिछले कई महीनों से 3-5% से कम है, और 2-2.5 महीने से 1% से कम है। यही बेंच मार्क है, 1%, 5% और 5% से ज़्यादा। तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 1% से नीचे है, अभी भी 0.6% है। महाराष्ट्र के अंदर कल जो केस आए थे वो 16,620 केस थे, जिसकी पॉजिटिविटी थी 16.46, 16% से भी ज़्यादा थी। केरल के अंदर जो 1792 केस आए थे, पॉजिटिविटी था 3.54। पंजाब के अंदर थे 1492 केस, पॉजिटिविटी रेशो था 4.81। गुजरात के अंदर थे 810 केसेस और पॉजिटिविटी थी 1.78, और दिल्ली में थे 407 केसेस और पॉजिटिविटी थी 0.6%। 0.6 का मतलब समझिएगा, गुजरात में दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पंजाब के अंदर 6 गुना है, केरल में 7 गुना है, और महाराष्ट्र के अंदर 30 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो अभी इसको देखो, बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर जब तक 1% क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है विद इन वेल इन कंट्रोल है। नंबर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल रहा है, हमने हमेशा कहा है कि 1% से नीचे चल रहा है। सतर्क हैं, पूरी तरह से सतर्क हैं, हमने पूरे इंजाम किए हुए हैं, और टेस्टिंग दिल्ली के अंदर बढ़ा के 70,000 से ज़्यादा डेली हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, और हर तरीके से हम प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं।